साल 2008 कर्नाटक की चिकमंगलूर पुलिस को एक बड़ी टिप मिलती है, एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी की टिप जो अपने कुछ साथियों के साथ एक किराए के मकान में रुका हुआ था। बड़ा आतंकवादी था और एक छोटा सा पुलिस स्टेशन, इसलिए आस पड़ोस के थानों से और फोर्स को बुलाया गया। घर के बाहर घेराबंदी हुई, पुलिस जब अंदर गई तो वहाँ कोई था नहीं, क्योंकि जो था वो भाग चुका था। साल 2009 कोलकाता के शेक्सपियर सरनी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति को पकड़ कर लाया गया चोरी करने के इल्ज़ाम में। कई घंटे स्टेशन में बिठाया गया। आरोपी ने पुलिस को समझा दिया कि वो कोलकाता का लोकल है और नाम बुल्ला मलिक है उसका। पुलिस ने उसे जाने दिया और ये वही मोस्ट वांटेड आतंकी था जिसकी टिप साल भर पहले चिकमंगलूर पुलिस को मिली थी। 2010 में कर्नाटक पुलिस को फिर खुफिया जानकारी मिलती है, आतंकवादी मंगलौर के एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाला है। अलर्ट जारी हुआ और इस बार भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी अरेस्ट कर लिया गया, ऐसा भारत सरकार ने ऐलान किया। लेकिन शाम होते होते तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि गलती हो गई, वो आतंकवादी नहीं, उसका छोटा भाई था। फिर 13 जुलाई 2011 को मुंबई में सीरियल धमाके हुए, 26 लोगों की मौत हुई। कुछ महीने बाद आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को जानकारी मिली कि ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मुंबई आ रहा है अपने मकान मालिक से सिक्योरिटी मनी वापस लेने। ये बहना भी वापस लेता है। आईबी को उसके आने का दिन और टाइमिंग सब पता चल गया, पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। लेकिन बेहद शातिर वो आतंकवादी फिर गच्चा दे गया। उस समय इस आतंकी को इंडिया का बिन लादेन तक कहा जाने लगा था। ये इतना शातिर दिमाग था कि साल 2008 तक ये दिल्ली सहित भारत में 10 जगहों पर धमाके कर चुका था, 200 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका था, कई बार बम खुद प्लांट कर चुका था। लेकिन देश की खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं लगी ये कौन है। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। तब अखबारों में एक लाइन काफी चर्चा में रहती थी, घोस्ट हु बॉम्ब्स, यानी एक भूत जो आकर धमाके कर देता है। 3.5 करोड़ रुपए का इनाम भारत सरकार ने इसके सर पर रखा था। तब कहा जाता है कि कोई अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी सबूत छोड़ता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। 13 फरवरी 2010 का दिन था, पुणे की मशहूर जर्मन बेकरी के बाहर जोरदार धमाका हुआ, 17 लोगों की जान चली गई। इस बार पिछले 8 सालों में यह पहला मौका था जब ये मालूम चला कि बॉम्ब प्लांट किसने किया था। सीसीटीवी में इस आतंकवादी का चेहरा दिख गया, पहचान लिया गया और इसका नाम मालूम चला, मोहम्मद अहमद जरार सिद्दी बापा उर्फ यासीन भटकर, इंडियन मुजाहिदीन का को-फाउंडर। लेकिन पहचान के बाद भी अगले 3 साल तक भारतीय एजेंसी को इसका कोई पता नहीं चला। फिर कैसे इसे दूसरे मुल्क में जाके पकड़ा गया और क्यों इसे पकड़ने वाले 5 आईबी ऑफिसर से कह दिया गया कि अगर दूसरे देश में पकड़े जाओ तो ये भूल जाना कि तुम हो कौन। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आगे बढ़ने से पहले लेकिन एक छोटा सा मैसेज है। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट और इस दिन जुड़े रहिएगा आप दी ललन टॉप के साथ खास कवरेज के लिए। अगर आपके मन में सवाल है कि क्या सैलरीड व्यक्तियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा दी जाएगी, तो आप अपनी राय दे सकते हैं हाँ या ना में प्रोबो पे, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। अब आते हैं तारीख पर। भारतीय एजेंसियां यासीन भटकल की तलाश में थी, उसका कोई सुराग नहीं मिलता था। आईबी की एक विशेष यूनिट थी एसओजी, इसकी लगभग हर राज्य में टीमें थी। जुलाई 2013 को बिहार के बोधगया में बम धमाके हो गए, बिहार की एसओजी टीम ने जांच की, काफी हाथ पैर मारे और एसओजी उस आदमी का पता निकाल पाई जिस पर धमाके का शक था। वो दरभंगा का एक डॉक्टर था, जब तक पुलिस क्लिनिक पर पहुंची वो गायब हो गया था। वो कोई और नहीं यासीन भटकल ही था जो कुछ सालों से दरभंगा में एक यूनानी डॉक्टर बन के रह रहा था। भारत में हमला करने वाले आतंकवादियों के लिए 1990 के दशक में छिपने की जगह सबसे अच्छी बताई जाती थी नेपाल। इसकी वजह थी उस समय नेपाल में फैली अशांति। 31 जनवरी 1972 को नेपाल की गद्दी पर बैठे राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह को तब अपना सिंहासन बचाना मुश्किल होता जा रहा था। माओवादी आंदोलन जड़े जमा चुका था और एक बड़ी आबादी भी राजा के खिलाफ ही होती जा रही थी। पाकिस्तानी आतंकवादियों और ISI को इसी दौरान यहाँ पैर जमाने का मौका मिल गया। धीरे धीरे नेपाल इनके लिए एक सुरक्षित शरण स्थली बनता गया। आतंकवादी भारत में हमले करते और नेपाल जाकर बैठ जाते। बिहार एसओजी के कुछ अफसरों को विश्वास था कि यासीन भी धमाके के पीछे नेपाल ही गया होगा। एसओजी ने नेपाल के अपने सभी मुखबिर एक्टिव किए। इसके बाद करीब 1 महीने बाद यानी कि अगस्त 2013 को पटना में आईबी की एक मीटिंग चल रही थी। इसमें बिहार आईबी यूनिट के जॉइंट डायरेक्टर भी मौजूद थे, साथ ही वो अफसर भी जो यासीन भटकल को पकड़ने में लगाई गई टीम को लीड कर रहे थे।
अचानक मीटिंग में टीम के लीडर को फोन बज गया। वो अचानक उठे और तेजी से कॉरिडोर में जाकर बात करने लगे। ये फोन था नेपाल से उस मुखबिर का जिसे देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी को ढूंढने को कहा गया था। फोन उठते ही इधर से आवाज आई, सर एक अच्छी खबर है, भटकल यही है नेपाल में। मुखबिर ने बताया कि यासीन को कुछ रोज पहले उसके एक आदमी ने देखा था, अब वो नेपाल के पोखरा इलाके में रहने गया है। अब उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और मूछें भी, लेकिन क्लीन शेव वाले फोटो से आंखें हूबहू मैच करती हैं। इसके बाद मुखबिर ने बात कही, उसे पटना में बैठे अफसर को विश्वास दिला दिया कि वो यासीन भटकल ही है। मुखबिर बोला, मेरे आदमी ने बताया कि यासीन पोखरा जाने से पहले कुछ दिन नेपाल में जहां रुका था वहां उसने खुद को यूनानी डॉक्टर बताया था। अब ये वही पहचान थी जो यासीन ने दरभंगा में अपना के रखी थी। ओपन मैगजीन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीआर रमेश, उन्होंने इस मसले पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी। वो लिखते हैं, कॉल के बाद ऑफिसर दौड़कर मीटिंग में वापस पहुंचा, उत्साह में बोला कि यासीन मिल गया नेपाल में। उसने मीटिंग में सब कुछ बताया, फिर वो बिहार आईबी के जॉइंट डायरेक्टर की ओर देखते हुए बोला, सर हमें परमिशन दीजिए नेपाल जाकर अंडर कवर ऑपरेशन करने के लिए। जॉइंट डायरेक्टर मान भी गए, उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे अपने ऊपर के अधिकारियों से बात कर लूं। बात की गई लेकिन दिल्ली वालों ने मना किया। दिल्ली में बैठे आईबी के ऑफिसर्स का कहना था कि यासीन भटकल नेपाल में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में है। जॉइंट डायरेक्टर ने ये बात बिहार एसओजी के टीम लीड को बता दी, वही टीम लीडर जो नेपाल जाने की इजाजत मांग रहा था। उसने सुना और जवाब दिया, सर मेरी सूचना एकदम पक्की है, काफ़ी कुछ मेल खाता है हुलिया, मुझे पूरा यकीन है कि वो यासीन भटकल ही है। हमें यहाँ मौका नहीं छोड़ना चाहिए, इसे छोड़ना आत्मघाती हो सकता है, हमें नेपाल जाना ही होगा भले इसके लिए बाद में हमें जेल हो जाए। जॉइंट डायरेक्टर उस अफसर को कुछ देर तक देखते रहे, फिर कहा कि तुम सही कह रहे हो लेकिन तुम्हारी टीम पर्यटकों की तरह नेपाल जाएगी, ये आधिकारिक ऑपरेशन नहीं होगा, आपकी टीम के लोग अपने साथ कोई पहचान पत्र नहीं ले जाएंगे, किसी कीमत पर आपकी पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। एक बात और याद रखिए कि अगर आपके काम में गलती हुई तो चीज़ें बहुत खराब होंगी और नेपाल की जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। इस अभियान में मेरी भूमिका के लिए मुझे मूल कैडर में वापस भेज दिया जाएगा। अपनी नौकरी को, अपनी पोस्टिंग को उन्होंने दांव पे लगाया, यानी एसओजी की टीम नेपाल जा रही थी अपनी जिंदगी और नौकरी सब कुछ दांव पर लगाकर, एक ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए जा रही थी जिसके पहचान करने वाले ने केवल ये कहा था कि आंखें यासीन भटकल जैसी हैं। एसओजी के टीम लीडर ने फटाफट 5 लोगों की टीम चुनी, उन्हें बता दिया कि रिस्क कितना है और ऊपर से किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, प्रेशर भी है। बताते हैं कि ऑपरेशन के लिए पैसे का जुगाड़ भी एसओजी के टीम लीडर ने अपने पास से किया था, उसने 40,000 रुपए अपने एक दोस्त से तब उधार लिए थे। वरिष्ठ पत्रकार पीआर रमेश अपनी रिपोर्ट आगे लिखते हैं कि इस ऑपरेशन में पूर्वी चंपारण जिले के एसपी विनय कुमार को भी शामिल किया गया। विनय के उस समय नेपाली पुलिस ऑफिसर्स से कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती रहती थी, कई नेपाली ऑफिसर्स उनकी पहचान के भी थे। नेपाल के लिए निकलते वक्त विनय को सब कुछ बताया गया, सिर्फ एक बात को छोड़कर कि टारगेट यासीन भटकल है। पर्यटकों के तौर पर एसओजी की टीम 20 अगस्त 2013 को नेपाल के पोखरा पहुंचती है। यहाँ के माउंट व्यू होटल में लोग रुके, 21 अगस्त के सुबह मुखबिर होटल में पहुंचा और एसओजी से उसकी बात हुई। इसके बाद हाफ पैंट और टी शर्ट में एसओजी के ऑफिसर्स होटल से निकले और उन्होंने 2 मोटरसाइकिल्स किराए पर ली। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर यासीन भटकल तक पहुंचेंगे कैसे, और पहुंच भी गए तो तसल्ली कैसे की जाएगी कि वो भटकल ही है, और इतना होने के बाद ही प्लान बनेगा कि उसे पकड़ना कैसे है। 21 अगस्त को ही मुखबिर को यह पता लगा कि पोखरा में एक व्यक्ति है बाल बहादुर थापा, जो भारतीय फौज में रह चुका है, धर्म बदलकर मुसलमान हो गया और अब उसका नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला पाकिस्तान और अन्य जगहों से पोखरा आने वाले मुसलमानों के रहने खाने की व्यवस्था करता था, या कहें तो इस काम में उसे इलाके में जाना जाता था इस काम के लिए। मुखबिर ने एसओजी को बताया कि अब्दुल्ला को पता है कि यासीन भटकल कहाँ मिलेगा। एसओजी का प्लान तैयार हुआ। मुखबिर से कहा गया कि वो जुमे की नमाज से पहले अब्दुल्ला के पास जाए और उससे कहे कि वो पोखरा में नया है और उसे नमाज पढ़ने की जगह बता दे। अगले दिन मुखबिर अब्दुल्ला के पास गया, अब्दुल्ला उसकी बात माना, दोनों एक गाड़ी में बैठे और नमाज पढ़ने के लिए निकल गए। पीछे मोटरसाइकिल पर एसओजी वाले इनका पीछा कर रहे थे। करीब 4 किलोमीटर आगे जाकर मुखबिर की गाड़ी रुकी एक हाईवे पर, उस जगह का नाम था ओरेगांव चौक। एसओजी वालों को हाईवे पर एक घर दिखा, घर ऐसी जगह पर था जहां से हाईवे पर आ रहे किसी व्यक्ति को 1 किलोमीटर पहले से देखा जा सकता था। एसओजी की टीम यहां रुककर इधर उधर देख रही थी कि सामने से एक बाइक आई। अब इसे तकदीर कहें या सटीक समय पर उस जगह पर एसओजी का पहुंचना, जिस मोटरसाइकिल सामने से आ रही थी उस पर पीछे बैठे व्यक्ति को एसओजी वाले देखते ही रह गए कि कोई और नहीं बल्कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी यासीन भटकल था। ये बाइक उसी मकान के अंदर चली गई जो सामने हाईवे पर दिख रहा था, यही भटकल का ठिकाना था।
एसओजी के अफसर उसको तुरंत पहचान गए। बिहार आईबी के जॉइंट डायरेक्टर ने तुरंत दिल्ली बात की, लेकिन दिल्ली में आईबी के ऑफिसर्स का कहना था कि बिना ठोस सबूत के कार्रवाई नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबी उस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि इस घटना से कुछ रोज पहले ही सीबीआई ने गुजरात में हुए इशरत जहां एनकाउंटर मामले की चार्जशीट दायर की थी। उसने कहा था कि एनकाउंटर पूरी तरह फर्जी था और इसमें गुजरात पुलिस और आईबी के अधिकारियों की मिलीभगत की गलती थी। अब नेपाल में एसओजी की टीम को ऐसा प्रूफ चाहिए था जिससे साबित हो जाए कि जो दिख रहा है, जिस व्यक्ति की बात हो रही है, वो भटकल है। एक तरकीब सूझी कि किसी तरह यासीन भटकल की आवाज़ रिकॉर्ड करके लाई जाए। बीते 2 सालों के दौरान आईबी ने यासीन के कई फोन्स को टैप किया था, तब जब वो अपनी पत्नी से दिल्ली बात करता था, यानी मालूम था एजेंसीज को कि आवाज़ उसकी कैसे सुनाई देती है फ़ोन पे। आवाज़ मैच होने पर संदिग्ध के भटकल होने का पक्का सबूत मिल जाता। अब ये काम कैसे हो? एक बार फिर उस मुखबिर को ही याद किया गया। उससे कहा गया कि वो यासीन भटकल के पास एक मरीज बनकर जाए और फोन की रिकॉर्डिंग ऑन रखे। 24 अगस्त को मुखबिर यूनानी डॉक्टर यासीन भटकल के पास मरीज बनकर गया। आवाज़ रिकॉर्ड हुई और भटकल के पुराने टेप किए गए वॉइस सैंपल से मैच कर गई। अब एकदम साफ था कि ये सस्पेक्ट यासीन भटकल ही है। भारत से फोन गया नेपाल के भारतीय दूतावास में, नेपाल सरकार से बात हुई, उसने पूरी मदद की बात कही। 25 अगस्त को नेपाल पुलिस के 4 अधिकारी एसओजी टीम से मिलने आए और उन्होंने एसओजी से कहा कि ऑपरेशन रात में होगा और केवल नेपाल पुलिस ही इसे अंजाम तक पहुंचाएगी। उस समय भटकल के घर के पास कोई एसओजी का अफसर नहीं दिखना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। नेपाल पुलिस ने सब कुछ तय होने के बाद भी अगले दिन कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद 27 अगस्त को फिर भारत सरकार की तरफ से नेपाल सरकार को फोन गया। साफ कहा गया कि भटकल एक आतंकवादी है और उसे पकड़ने में मदद चाहिए। अगले दिन 28 अगस्त को रात के करीब 9 बजे नेपाल पुलिस ओरेगांव इलाके में भटकल के ठिकाने के करीब पहुंची। एसओजी वाले काफी दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। पुलिस वाले मकान में घुसने ही वाले थे कि काठमांडू के भारतीय दूतावास से एक अधिकारी का फोन एसओजी के पास आया। उसने कहा कि आप लोग गलत आदमी को पकड़ रहे हैं, वो एक टर्बाइन इंजीनियर है। ये सुनते ही एसओजी के टीम लीडर बोले, आप कैसे अधिकारी हैं, आपको शक की बू नहीं आती? एक टर्बाइन इंजीनियर कैसे यूनानी डॉक्टर का काम कर सकता है? आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? आप नेपाली पुलिस से कहिए संदिग्ध व्यक्ति को बाहर लेकर आए, हम उसकी पहचान कर देंगे। इसके बाद 10 बजे नेपाल पुलिस मकान में घुसी और यासीन भटकल को साथ लेकर आई। एसओजी इस ऑपरेशन में डबल सक्सेस पाती है। उसके हाथ में भटकल के साथ एक और आतंकवादी लग गया जिसका नाम था असदुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी, अलकायदा का आतंकवादी, अफगानिस्तान में जिसकी ट्रेनिंग हुई। हड्डी वाराणसी, पुणे, मुंबई के झवेरी बाजार और अहमदाबाद में धमाकों का मास्टरमाइंड माना गया था। भारत सरकार ने उसके भी सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। दोनों आतंकवादियों को नेपाल पुलिस भारतीय बॉर्डर तक लेकर आई और फिर इन्हें एसओजी की टीम को सौंप दिया गया। नेपाल में हुए इस ऑपरेशन के जरिए 2 ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा गया जो अलग अलग संगठनों के सरगना थे। यासीन भटकल को पकड़ने से इंडियन मुजाहिदीन और हड्डी को पकड़ने से सिमी एक झटके में खत्म हो गया, ऐसा दावा किया गया। और ये सब कैसे हुआ आपने जान ही लिया, केवल एसओजी से जुड़े एक अफसर और उसकी टीम की जिद की वजह से। उन सभी ने अपनी नौकरी और जिंदगी सब कुछ को दांव पे लगाया सिर्फ अपने मुल्क के लिए। आज के लिए इतना ही। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।